नमस्कार, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जैन बी स्टूडेंट टेक में। आज के इस वीडियो में मैं आपसे चर्चा करने वाला हूं कि आप टाली में लदे हुए गिट्टी को, मोरंग को, बालू को या ट्रक में लदे हुए गिट्टी, मोरंग, बालू को कैसे नापेंगे कि कितना घनफुट आपके यहां टाली में मोरंग आया हुआ है। इसके लिए मैं आपको एक आसान तरीका बताने वाला हूँ, शायद आपको जानकारी भी हो, जानकारी ना हो तो वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखें। आपको मैं स्टेप बाय स्टेप वो सारी जानकारी बताने वाला हूं कि आप कैसे इसको नापेंगे। तो आइए चलते हैं उस पेज पर जहां से मैं आपको ये जानकारी देने वाला हूं। वहां चलने से पहले आपसे छोटी सी गुजारिश की, यदि आप पहली बार मेरे यूट्यूब चैनल पर आए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, साथ में बगल में बने बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाला हर नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो आइए सीधे चलते हैं अब पेज पर जहाँ से मैं आपको ये पूरी जानकारी देने वाला हूँ। अब मैं आपको ये एक बॉक्स है, मैं इसको आपको दिखा दूँ कि ये एक बॉक्स है, इसी के आकार में ट्राली होती है। ऐसा ही कुछ ट्राली का आकार होता है। ये अंदर का पोर्शन आप देख पा रहे होंगे, ये अंदर का पोर्शन है। अब इसमें ये समझने की आवश्यकता है कि यहाँ से यहाँ तक की ये ट्राली की ऊँचाई हो जाएगी, यानी ये पोर्शन यहाँ से यहाँ तक के टाली की ऊंचाई हो गई और यहाँ से यहाँ तक के टाली की गहराई हो गई, यानी सॉरी लंबाई हो गई, यहाँ से यहाँ तक के टाली की लंबाई हो गई और यहाँ से यहाँ तक ये टाली की गहराई हो गई और यहाँ से यहाँ तक के टाली या ट्रैक्टर जो भी है उसकी चौड़ाई हो गई। तो हमको ये पता करना कि इस ट्राली में कुल कितना गिट्टी या कितना मोरंग या कितना बालू पड़ा हुआ है, ये पता लगाना है। तो इसको लगाने के लिए आइए मैं अब आपको पेन से, कापी कलम की सहायता से आपको बताने की कोशिश करता हूँ। इससे पहले मैं आपको इसकी पूरी जानकारी दूँ, आपसे गुजारिश कि यदि आप अभी तक मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि वीडियो देखते देखते आप भूल जाते हैं, उसमें मशगूल हो जाते हैं और सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं, लाइक करना भूल जाते हैं। इसलिए आपसे गुजारिश कि लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, तब आगे बढ़ते हैं। आइए सीधे चलते हैं उस पेज पर। अब ऐसा कुछ चित्र है एक ट्राली का, जैसा कि मैं ये जो बॉक्स आपको दिखाया था, ये जो बॉक्स है इसका है। अब ये एक बॉक्स मैं बना रखा हूँ, जैसा कि ये जो बॉक्स आपको दिखाया था इसी बॉक्स के आकार का, या तो मैं कहिए इसी बॉक्स पर आपको बताना शुरू करूँ। आइए बॉक्स पर ही हम समझने की कोशिश करते हैं। ये हमारी ट्राली है कुछ इस तरह की। अब मैं बता दूं कि इस ट्राली की ये वाली चीज़, यानी मान के चलिए यहाँ से ये जो ऊंचाई है, ये इसको हम ऊंचाई कहें चाहे गहराई कहें, ये जो है हमारे यहाँ 1 फुट 9 इंच का है। मैं लिख लूँ 1 फुट 9 इंच का है ये, और जो हमारी ये लंबाई है यहाँ से यहाँ तक, ये है 9 फुट 6 इंच का है, 9 फुट 6 इंच का है। और जो हमारी चौड़ाई है, ये तो हमारी गहराई हो गई थी, यानी यहाँ से यहाँ तक की ये दूरी थी। अब ये हमारी लंबाई हो गई और जो हमारी चौड़ाई है ये है, और ये चौड़ाई हमारी है 5 फुट 4 इंच। अब मैं इसको इस पर बताने की कोशिश करता हूँ, यहाँ पर, यानी यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है ये हमारी है 9 फिट 6 इंच। यहाँ से यहाँ तक की जो हमारी चौड़ाई है वो है 5 फुट 4 इंच, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक की। और जो हमारी ऊंचाई यहाँ से लेकर यहाँ तक, यानी ये जो ऊंचाई है ये हमारा है 1 फुट 9 इंच। इसी पर हमको ये निकालना है कि ये कितना घन फिट इसमें बनेगा। ये घनाभाकार हो गया, इसको हम कह सकते हैं घनाभाकार, घनाभाकार यानी ये घनाभ के आकार का है। ये जो ट्राली आप देख पा रहे हैं ये घनाभ के आकार का होता है। अब इसका हमको क्षेत्रफल निकालना है, यानी आयतन निकालना है। तो हम इसका जो फार्मूला, पहले उस फार्मूले को लिख लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो हम लिख लें यहाँ आयतन, घनाभ का आयतन आप समझ लीजिएगा, आयतन बराबर, घनाभ का आयतन बराबर होता है लंबाई
गुणे ऊंचाई, उसके बाद में गुणे चौड़ाई। ये इसका सूत्र है। अब लेकिन समस्या ये हो रही है कि ये 9 फीट है, 6 इंच है, 5 फुट है, 4 इंची, 1 फुट 9 इंची। अब ये इंच में दिखा रहा है, तो हम क्या करेंगे, इसको पहले इंच में कन्वर्ट करेंगे। इंच में कन्वर्ट करने का जो हमारे पास तरीका, उसको जानने की ज़रूरत है। जैसे हम जानते हैं कि 1 फीट बराबर कितना, 1 फुट बराबर होता है 12 इंच। 1 फुट बराबर 12 इंच होता है, तो हमारे पास ये जो ऊंचाई है 1 फीट 9 इंच है, हम इसको पहले इंच में चेंज कर लेते हैं, सबको इंच में चेंज कर लेते हैं। तो 1 फुट बराबर हमारे पास हो गया 12 और धन 9 इंच बराबर हो गया 12 8 20 21 इंच। ये हमारी हो गई ऊंचाई। क्या हो गई, ऊंचाई कहिए चाहे गहराई कहिए। अब हमारे पास जो चौड़ाई है 5 फुट 4 इंची है, तो 5 फुट 4 इंची यानी 12 गुणे 5 धन 4 बराबर हो जाएगा 12 पच्चीस 60 4 64 इंच। ये हो गया 64 इंच हमारी चौड़ाई हो गई। क्या हो गई, चौड़ाई 64 इंच चौड़ाई हो गई। अब बचा लंबाई का, तो 9 फीट 6 इंच है, तो हम 12 गुणे 9 धन 6 कर लें, 12 नवा 108 धन 6, तो हो जाएगा 114 इंच। ये हमारी हो गई लंबाई, ये लंबाई हो गई। अब हमको इंच में ऊंचाई मिल गई, चौड़ाई मिल गई और लंबाई मिल गई। अब हम क्या करेंगे, इनको गुणा कर लेते हैं। क्या करते हैं, इसको गुणा कर लेते हैं, जैसा कि यहाँ ये जो फार्मूला है इसके हिसाब से, तो गुणा कर लेंगे। तो हम गुणा किए, लंबाई इसका हो गया 114, तो 114 गुणे ऊंचाई इसकी हो गई 21, तो गुणे कर लीजिए 21 का और गुणे कर लीजिए 64 का, ये इतना कर लीजिए। इसको गुणा करने के बाद में हम इसमें, ये इंच में है तो सब में 12 से भाग करेंगे, इसको भी 12 से, इसको भी 12 से, इसको भी 12 से हम भाग कर देंगे। क्यों, क्योंकि ये इंच में है तो इसको हम फुट में चेंज करेंगे, तो 12 से भाग कर लें, या कुछ इस तरह से लिखें, या फिर हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि 114 गुणे 21 गुणे 64 बटे 12 12 का गुणा करिए, या सीधे 1728 लिख लें, क्योंकि इसका 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 गुणा करेंगे तो 1728 आएगा। अब क्या हुआ, अब इनका 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 तीनों का गुणा कर लीजिए। गुणा मैं गुणा करके रखा हूँ, आप गुणा करके देख सकते हैं, मैं गुणा करके रखा हूँ, तो ये 153,216 इंच आ गया। अब इसमें हम 1728 से भाग कर दें, 1728 से जब आप भाग करेंगे तो कुछ इस तरह से आएगा 88.66, ये आ गया। अब ये जो आ गया हमारा, यही हमारा घन फिट है। क्या है, घन फुट है, यानी हम इसको कह सकते हैं 88.5 घन फुट है। तो इस तरह से आप भी यदि निकालना चाहते हैं घन फुट, तो किसी भी, चाहे ट्रैक्टर हो, चाहे ट्राली हो, कुछ भी हो, तो आप उसकी ये लंबाई नाप लें, जैसा कि ये है, मान के चलिए अब ऐसा ही है, तो आप यहाँ से लेकर यहाँ तक नाप लें, ये इसकी लंबाई हो जाएगी, यहाँ से लेकर यहाँ तक नाप लेंगे, ये इसकी चौड़ाई मिल जाएगी, और ये कितनी गहरी है इतना नाप लेंगे कहीं भी, तो ये इसकी ऊंचाई कहिए या गहराई कहिए, ये मिल जाएगी। फिर ये जब मिल जाए, तो कुछ इस तरह से जो मैं आपको फार्मूला बताया हूँ, इससे सरलतम तरीके से आप इसका क्षेत्रफल कहिए या घनफुट कहिए या जो भी कहना चाहते हैं। लोग कहते हैं कि कितना घनफुट है, तो कितना घनफुट निकालने के लिए ये तरीका है, आप इसका गुणा कर लें और जितने को इंच में बदलें उसमें 12 से भाग कर दें, 12 से भाग करने के बाद आपको कुछ इस तरह से आंसर मिल जाएगा।
तो वीडियो कैसा रहा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और वीडियो को यदि अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर लें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो पुनः एक बार आपसे गुजारिश कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन दबा दें ताकि आने वाला हर नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद।